गुड इवनिंग टू ऑल। कैसे हैं आप लोग भाई? जल्दी से मुझे कमेंट करके एक बार बता देंगे फटाफट सभी लोग कि आप लोग कैसे हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं और बहुत अच्छे होंगे। तो आज से हम लोगों की एक नई एनर्जी कह सकते हैं हम लोग, एक नई क्लास स्टार्ट हो रही है जिसको आप लोग कह सकते हो कि हम लोग BCA एंट्रेंस एग्जाम के प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं। और इस BCA एंट्रेंस एग्जाम में हम लोग हर साल की तरह इस साल भी एक बार फिर से तैयारी शुरू कर दिए हैं। और आज से हम लोगों की मैथ्स की क्लास, फिजिक्स की क्लास, कंप्यूटर की क्लास, इंग्लिश की क्लास और GS की क्लास, ये 5 क्लास तो हमारी आज से स्टार्ट हो रही है। तो आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करेंगे हम कि इस वीडियो को आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए ताकि उन लोगों को पता चल जाए जो आपके फ्रेंड्स अब तक नहीं जान पाए हैं इसके बारे में, या BCA एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं CUET बेस्ड पे, तो उसकी भी प्रिपरेशन इसी के साथ हम लोग कराएंगे। डेली लाइव क्लास चलेगी, लाइव क्लास के साथ साथ हम लोग क्वेश्चन पेपर भी सॉल्व कराएंगे और संडे संडे मैराथन भी रखने वाले हैं, ध्यान रखना इस चीज को। तो बहुत सारी चीजें एक साथ आप लोगों को मिलने वाली है और फुल एनर्जी के रूप में हम लोगों को मिलने वाली है, ध्यान रखना इस चीज को। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं BCA एंट्रेंस एग्जाम की, किसकी बात करूं मैं, आपके BCA एंट्रेंस एग्जाम की मैं बात करूं, ये जो 2023 में होने वाला है इसकी प्रिपरेशन हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। हाँ, और जो आपको हम पढ़ाएंगे वो आपका सेक्टर होगा कंप्यूटर का। क्या पढ़ाएंगे हम आपको? कंप्यूटर पढ़ाने वाले हैं। और ये कंप्यूटर सिर्फ BCA के लिए ही नहीं है, ये कंप्यूटर आप BSc कंप्यूटर साइंस के लिए भी यूज कर सकते हैं, ध्यान रखना। हमारा जो सब्जेक्ट है वो है आपका कंप्यूटर, और आपको कंप्यूटर में तो समस्या नहीं होगी, इसकी टेंशन मत रहो। वैसे सारे टीचर्स एक्सपर्ट हैं, जो हमारे पिछले साल टीचर्स पढ़ाए थे, जो उसके पिछले साल पढ़ाए थे, क्योंकि कई सालों से BCA एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन कराई जा रही है और मुझे लगता है कि अब तक कई हजार स्टूडेंट्स हमारे जो है अच्छे यूनिवर्सिटीज में एडमिशन भी ले चुके हैं, और इतना ही नहीं कंप्लीट कोर्स भी ज्वाइन करते हैं उसके बाद जब BCA एंट्रेंस एग्जाम में अच्छे नंबर से और अपनी मन पसंदीदा यूनिवर्सिटी में अगर एडमिशन पा जाते हैं। तो इन सारी चीजों को हम लोग देखते हुए यहां पे सबसे पहले आज से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं कंप्यूटर, जो कि सुबह में 9 बजे से लाइव क्लास होने वाली है। सुबह में 9 बजे से लाइव क्लास डेली चलने वाली है, ध्यान रखना इस चीज को। ये क्लासेस आपकी डेली की डेली चलेंगी और सभी लोग डेली सुबह में लाइव भी आएंगे। जब आप लाइव आएंगे तभी आपको रियलिटी पता चलेगा कि क्लासेस कैसी हो रही हैं, क्लास में क्या क्या चीजें आपको मिल रही हैं। और कोई ऐसा नहीं है जो आप लोगों को लाइव दे, लाइव सिर्फ और सिर्फ आपके यूनिक ग्रुप, हाँ बिल्कुल, लाइव सिर्फ और सिर्फ आपका यूनिक ग्रुप प्रोवाइड कर रहा है दोस्तों, ध्यान रखना इस चीज को। देखो यहां पे अगर मैं कंप्यूटर के सिलेबस की बात करूं या कहूं कि कंप्यूटर अवेयरनेस, कंप्यूटर अवेयरनेस की बात कर रहा है एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की, ये भी इसका आपका ही कई जगह ये भी आपको नाम मिलता है, बात समझ में आई, कई जगह नाम आपको कंप्यूटर में यह भी मिल जाता है कंप्यूटर अवेयरनेस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, तो कंफ्यूज नहीं होना है, वही कंप्यूटर की बात कर रहा है जो कंप्यूटर हम आपको पढ़ाने वाले हैं, ध्यान रखना इस चीज को, ठीक है। तो सबसे पहले अगर मैं आज बात करूं सिलेबस की, ये सिलेबस क्या है इसका, हम लोग क्या इसमें पढ़ना है, ये पूरी कंप्लीट हम लोग डिटेल्स में बात करने वाले हैं सिलेबस के बारे में, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है भाई। हमें कहां जाना है, क्या करना है, ये हम तभी डिसाइड कर पाते हैं जब हम लोगों खुद को सिलेबस पता हो। अगर हमें सिलेबस नहीं पता है
तो हम अपना कोई भी चीज डिसाइड नहीं कर सकते, कोई भी क्लास डिसाइड नहीं कर सकते हैं। हम लोग कह सकते हैं कि हम अपना गोल भी सही से डिसाइड नहीं कर सकते हैं अगर हमें रास्ता ना पता हो, हमें कितना जाना है, कितना खाना है, कितना पीना, और पीने की बात छोड़ो, ठीक है। तो ये इन चीजों की बात हम लोग करने वाले देखो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं कंप्यूटर फंडामेंटल की। किसकी बात करने वाले हैं इसमें? सबसे पहली चीज जो आपकी आती है इसमें आती है फंडामेंटल। और इस फंडामेंटल की मैं बात करूं तो इसको हम लोग बेसिक कंप्यूटर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? बेसिक कंप्यूटर के नाम से भी इसको हम लोग जानते हैं। अगर हम बेसिक कंप्यूटर की बात करें, किसकी? बेसिक कंप्यूटर की बात करें तो जितने भी चीजें हमारी बेसिक कंप्यूटर के अंदर आती हैं, जैसे कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर का एडवांटेज क्या है, एप्लीकेशन क्या है, आपका मेमोरी क्या है, इनपुट और आउटपुट क्या है, आपका सॉफ्टवेयर क्या है, हार्डवेयर क्या है, आपका कंप्यूटर क्लासिफिकेशन क्या है, नंबर सिस्टम क्या है, ये सारी चीजें आपकी कंप्यूटर फंडामेंटल के अंदर आती है। किसके अंदर आती है भाई? ध्यान सुनो, कंप्यूटर फंडामेंटल के अंदर आती है। और ये कंप्यूटर फंडामेंटल या आप बेसिक कंप्यूटर, दोनों आपके लिए सेम होता है। ध्यान रखना इस चीज को, दोनों आपके लिए सेम होता है और दोनों का सिलेबस भी आपका सेम होता है। क्लियर हो गया? बहुत अच्छी बात है। दूसरा आपका होता है नंबर सिस्टम। क्या होता है आपका जी? नंबर सिस्टम। अगर हम नंबर सिस्टम की बात करें तो नंबर सिस्टम आपका, आप बहुत अच्छे से जानते हो बाइनरी नंबर को, ठीक है, बाइनरी नंबर को जानते हो, डेसिमल को जानते हो, हेक्साडेसिमल को जानते हो, इन सारे को कंप्लीट पढ़ाया जाएगा। और एक चीज और कहते हैं नंबर सिस्टम एंड कंप्यूटर कोड्स। कंप्यूटर के कुछ कोड्स होते हैं वो भी हम आपको बताएंगे, जैसे ASCII कोड होता है, अमेरिकन स्टैंडर्ड की बात करते हैं, BCD कोड होता है, बाइनरी कोडेड डेसिमल होता है, यूनिकोड होता है, यूनिवर्सल कोड होता है। तो ऐसे कुछ कोड्स होते हैं जिनके बारे में भी हम लोग कंप्लीट डिस्कस करने वाले हैं, A to Z कंप्लीट डिस्कशन होगा, कंप्लीट पढ़ाई होगी। ध्यान रखना इस चीज को। तो ये आपका नंबर सिस्टम भी इसी के अंदर आता है, ध्यान रखना। क्या आता है आपका? नंबर सिस्टम भी आपका इसी के अंतर्गत पाया जाता है। इसके बाद इसके बाद आपका आता है कंप्यूटर नेटवर्क। क्या आता है आपका? कंप्यूटर नेटवर्क। और अगर हम कंप्यूटर नेटवर्क की बात करें तो आपको बहुत अच्छे से पता है कि नेटवर्क बेसिकली आपके सिलेबस में दो है, बेस्ड ऑन टोपोलॉजी, बेस्ड ऑन साइज, लैंडमैन, वैन, स्टार, मेस और ट्रे की बात कर रहा है। 5 टोपोलॉजीज होते हैं, तो ये दोनों आपको पढ़ना है। लेकिन दो और भी होते हैं, एक होता है मैनेजमेंट मेथड और एक होता है आपका एक मैनेजमेंट और एक ट्रांसमिशन मीडिया। तो चार प्रकार के नेटवर्क भी आप लोगों को पढ़ाए जाएंगे, कंप्यूटर नेटवर्क पढ़ाए जाएंगे, उसी से कोरिलेट करके इंटरनेट भी आप लोगों को पढ़ा दिया जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आपका होता है, इसके अंदर क्या होगा? इसके अंदर आपका होता है ऑपरेटिंग सिस्टम। क्या होता है जी? इसके अंदर आपका होता है ऑपरेटिंग सिस्टम। अब अगर हम ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो ऑपरेटिंग सिस्टम को बेसिकली हम लोग हार्ट ऑफ द कंप्यूटर के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं भाई? हार्ट ऑफ द कंप्यूटर के नाम से जानते हैं। जो कंप्यूटर का दिल होता है, जो कंप्यूटर का जान होता है, वो होता है ऑपरेटिंग सिस्टम। और बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के कोई भी कंप्यूटर आज के समय में चल नहीं सकता। किसी भी कंप्यूटर सिस्टम को चलाने के लिए हम लोगों को ऑपरेटिंग सिस्टम का होना अति आवश्यक और मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, ध्यान रखना इस चीज को। फिर उसके बाद आपको पढ़ाया जाएगा DBMS, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ये भी आपकी एक लैंग्वेज है जिसको आप लोगों को कंप्लीट पढ़ाया जाएगा। इसके बाद आपका आने वाला है सिस्टम एनालाइज एंड डिजाइन। सिस्टम एनालाइज एंड डिजाइन, सिस्टम एनालाइज एंड डिजाइन पढ़ाया जाएगा कि कैसे हम लोग किसी भी कंप्यूटर सिस्टम को एनालाइज करते हैं, कैसे उसको डिजाइन करते हैं कंप्यूटर। इसके बाद आप लोगों को कंप्यूटर इंजीनियरिंग भी थोड़ी सी बताई जाएगी। ये सारी चीजें जो मैं आपको बता रहा हूं लास्ट में, ये सारी चीजें का इंट्रोडक्शन है, बस ध्यान रखना इस चीज को।
इंजीनियरिंग भी आपको कंप्लीट डिस्कस किया जाएगा ब्रीफ में कि कौन कौन से टाइप्स होते हैं, कितने इसके आपके प्रकार होते हैं, और साथ में आपको पढ़ाया जाएगा कंप्यूटर आर्किटेक्चर। क्या पढ़ाया जाएगा जी? कंप्यूटर आर्किटेक्चर भी पढ़ाया जाएगा। कंप्यूटर आर्किटेक्चर पढ़ाया जाएगा, उसके बाद सी पढ़ाया जाएगा, सी लैंग्वेज का इंट्रोडक्शन दिया जाएगा, उसके बाद उप्स का भी इंट्रोडक्शन दिया जाएगा। ध्यान रखना इस चीज को। तो बस यही हमारा है सिलेबस, ध्यान रखना यही हमारा है छोटा सा सिलेबस, जिसको हम लोग 1.5 से 2 महीने में आराम से खत्म करके आराम से पढ़ सकते हैं बिना किसी समस्या के। बिल्कुल जी, बिल्कुल सीयूटी बेस्ड ही बीसीए होगा। कौन सी इंटरेस्ट इस बीसीए करा रहे भाई? भाई यूट्यूब पर ही लाइव होगा। बिल्कुल संतोष जी, यूट्यूब पर लाइव होगा। और एक चीज ध्यान में रखना, आज तो सिर्फ हम बात करने वाले हैं आपके सिलेबस के बारे में, सिर्फ सिलेबस डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन कल से ये क्लास चलेगी। बात समझ में आई? कल से हम लोगों की पहली क्लास चलेगी। तो आप लोग सभी लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि जो भी आपके फ्रेंड्स, जो भी आपके साथी इस क्लास को करना चाहते हैं, इस क्लास को देखना चाहते हैं, और जो भी बीसीए एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, उन लोगों को एक चीज इंफॉर्मेशन पहुंचाइए कि आप लोगों की बीसीए एंट्रेंस एग्जाम की क्लास स्टार्ट हो गई है। सुबह में 9 बजे से आपकी चलेगी कंप्यूटर, सुबह में 7:15 से इंग्लिश चलेगी, और शाम को 4 बजे से मैथ चलेगा, रात में 9 बजे से जीएस चलेगा, और चार बजे से फिजिक्स चलेगा, और रात में 9 बजे से जीएस चलेगा, और मैथ्स की टाइमिंग हम आप लोगों को इंफॉर्मेशन कम्युनिटी के माध्यम से बहुत जल्दी देंगे, ठीक है? तो ये सारी चीजें आप लोगों को मिलने वाली एक बहुत बेहतरीन तरीके से। बस आप लोग कुछ नहीं करना है, दिल थाम के बैठना है और उन लोगों को ये इंफॉर्मेशन पहुंचा देना है कि भाई अब लेट मत करो, क्योंकि इतना बड़ा सिलेबस है कि अगर अब लेट करोगे तो आप एंट्रेंस एग्जाम में अपना मन पसंदीदा यूनिवर्सिटी नहीं पा सकते हो। अगर आपको अपनी मन पसंदीदा यूनिवर्सिटी पानी है तो लेट नहीं करना है। आप यूनिक ऑनलाइन गुरु यूट्यूब चैनल पे फटाफट ज्वाइन कर लीजिए, यूनिक ग्रुप ऐप डाउनलोड कर ले, जहां पे आपको कंप्लीट क्लास मिल जाएगी। और ज्यादा जानकारी अगर चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में कॉन्टेक्ट नंबर है, वहां से आप कॉल मैसेज कर सकते हैं। तो एक चीज ये मत भूलिएगा। बाकी अगर किसी को कोई समस्या होती तो हाँ, टाइमिंग मैंने बता दिया है आपको, उसके बाद भी अगर कोई इश्यू होता है तो आप बिल्कुल कल से सुबह में 9 बजे से ध्यान रखना, कंप्यूटर की क्लास चलेगी और सबको ज्वाइन करना है, ठीक है दोस्तों? कल मिलते हैं हम लोग फिर से। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।